गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 6 चैप्टर वचन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप वचन की परिभाषा, वचन के भेद और एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ वचन। सबसे पहले आपकी बुक में दिया गया है कि चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। इसमें है मुर्गी दाना चुग रही है, मुर्गियां दाना चुग रही हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में मुर्गी दाना चुग रही है, इसमें सिर्फ एक ही मुर्गी की तस्वीर बनी है, और दूसरी पिक्चर में मुर्गियां दाना चुग रही हैं, इसमें दो मुर्गियां दिखाई गई हैं। इसके नीचे बच्चा खेल रहा है, इसमें सिर्फ एक बच्चा दिखाया गया है, और बच्चे खेल रहे हैं, इसमें तीन बच्चे दिखाए गए हैं। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। तो जो शब्द हमें संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि मुर्गी तथा बच्चा शब्दों से उनके संख्या में एक होने का बोध होता है, और मुर्गियाँ तथा बच्चे शब्दों से उनके संख्या में अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, घोड़ा, लड़का, पाठशाला। तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या का बोध हो रहा है। तो जो शब्द हमें एक संख्या के बारे में बताते हैं, उन्हें हम एक वचन कहते हैं। तो लड़का पढ़ता है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक ले जाओ। तो इन वाक्यों में लड़का, घोड़ा, पुस्तक एक व्यक्ति, एक प्राणी और एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो ये शब्द एक वचन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालिकाएं, पुस्तकें, घोड़े, लड़के, पाठशालाएं आदि। लड़के पढ़ते हैं, घोड़े घास खाते हैं, पुस्तकें ले आओ। तो इन वाक्यों में लड़के, घोड़े, पुस्तकें शब्द एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। ये बहुवचन के उदाहरण हैं। विशेष। इसमें फर्स्ट है आदर देने के लिए एकवचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति किया जाता है। तो उदाहरण दिया गया है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी तथा आप एकवचन है, किंतु उनके साथ बहुवचन की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। ऐसा उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया गया है। तो इसमें जो शब्द आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो उनमें एक वचन के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, माधुरी के केश लंबे हैं, उसके आंसू निकल आए, आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, उसके तो प्राण ही निकल गए, मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। तो इन शब्दों का प्रयोग, लोग, केश, आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। जैसे लोग बाहर खड़े हैं, तो लोग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग होता। उसी तरह केश किसी एक बाल के लिए, केश शब्द प्रयोग नहीं होता, वो बालों के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए ये शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, दूध, घी, दही, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि उसे बहुत क्रोध आ रहा है, तो ये नहीं कहा जाता कि उसे क्रोध आ रहे हैं। तो इसलिए इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है।
कभी कभी क्रियाओं को देखकर वचन का बोध होता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो इसमें क्रिया बैठा है बैठे हैं से हमें पता चल रहा है कि बंदर एक है या अनेक हैं। तो जहाँ पर एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है इसका अर्थ यह है कि वहाँ एक बंदर है, और जहाँ क्रिया बहुवचन में है वहाँ पता चलता है कि जो संज्ञा सर्वनाम है वो बहुवचन है। उसी तरह मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। तो इस प्रकार हमें क्रियाओं को देखकर भी वचन के बारे में पता चलता है कि वह एक वचन है या बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। शब्द के अंत में ए के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे बहन से बहने, तो इसमें ए बहन ए का स्वर दे रहा है, इसमें ए का प्रयोग कर उसे बहुवचन बना दिया गया है। जैसे किताब किताबें, आँख आँखें। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनता है। जैसे कपड़ा कपड़े, कौआ कौए, गमला गमले। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे माला मालाएं, शिला शिलाएं, व्यथा व्यथाएं, लता लताएं। तो इसमें आ के स्थान पर ए लगाकर स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई अथवा ई के स्थान पर इयां लगा देने से बहुवचन बनता है। जैसे रीति रीतियां, विधि विधियां, रुचि रुचियां। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे लुटिया लुटियां, चिड़िया चिड़ियां। तो इसमें एक वचन में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता, लेकिन बहुवचन में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों के अंत में उ अथवा औ होने पर उनके साथ ए जोड़ देने से बहुवचन बनते हैं, परंतु शब्द के अंत में उ होने पर उसको उ कर दिया जाता है। जैसे बहु बहुएं, तो इसमें बहु है पर बड़े उ की मात्रा है, लेकिन जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुएं छोटे उ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं। नेक्स्ट, कुछ शब्दों के अंत में गण वृंद जन वर्ग दल लोग आदि लगने से बहुवचन बनते हैं। जैसे छात्र छात्रगण, गुरु गुरुजन, युवा युवा वर्ग, हम लोग, सैनिक सैनिक दल, पंडित पंडित वृंद। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे ही होते हैं, जैसे हाथी हाथी, फूल फूल। जैसे हाथी जा रहा है, हाथी जा रहे हैं, फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं, कवि कविता सुना रहा है, कवि कविताएं सुना रहे हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्न के उत्तर आप अपनी बुक में ही टिक करेंगे। फर्स्ट है, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन शब्दों के चार उदाहरण बताइए। तो इसके लिए आप स्मरण रखने योग्य बिंदु में थर्ड लाइन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन शब्दों के चार उदाहरण बताइए। तो एक वचन शब्दों के चार उदाहरण आप अपने आप लिखेंगे, जैसे लड़का बच्चा पेड़ मोर इत्यादि। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन शब्दों के चार उदाहरण बताइए।
तो इसके लिए लास्ट लाइन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, क्रियाओं को देखकर वचन का बोध कैसे होता है समझाइए। तो इसके लिए जैसा आपको बताया गया था, उदाहरण दिया गया था कि बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो इसमें आप यही उदाहरण लिखेंगे। इसमें क्रिया को देखकर वचन का बोध हो रहा है कि वह एक वचन है या बहुवचन। नेक्स्ट, चार ऐसे शब्द बताइए जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। तो जैसा कि आपको बताया था आपकी बुक में ही कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, तो ये हैं क्रोध, क्षमा, प्रेम, जल, दूध, घी, दही, वर्षा। तो उसके आंसर के लिए आप इसमें से चार शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट है, वचन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं लड़का, लड़के। सेकंड, वचन के कितने भेद होते हैं प्रत्येक का नाम लिखिए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, सेकंड बहुवचन। थर्ड क्वेश्चन, चार ऐसे शब्द लिखिए जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है। तो ये शब्द हैं लोग, केश, आंसू, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के एकवचन रूप लिखिए। मिठाइयाँ, मिठाई, वधुएँ, वधु, कविताएँ, कविता, सड़कें, सड़क, नदियाँ, नदी, नेतागण, नेता, पत्ते, पत्ता, चूहियाँ, चूहिया, अध्यापिकाएँ, अध्यापिका, कमरे, कमरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। माला, मालाएं, नदी, नदियां, रीति, रीतियां, मक्खी, मक्खियां, बहु, बहुएं, कली, कलियां, युवा, युवा वर्ग, महिला, महिलाएं, चिड़िया, चिड़ियां, हाथी, हाथी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए। तो इसमें फर्स्ट है, सड़कें साफ है, तो इसका वचन बदलकर लिखा जाएगा सड़क साफ है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़ियां पेड़ पर बैठी हैं, बहू काम कर रही है, बहुएं काम कर रही हैं, मैंने कहानी पढ़ी, मैंने कहानियां पढ़ी, मिठाई इधर रख दो, मिठाइयां इधर रख दो। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न वचन के भेद होते हैं दो। आंसू का सदैव प्रयोग होता है बहुवचन में। बेटी का बहुवचन है बेटियां। वधुएं का एक वचन है वधु। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियां। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को देखकर कोष्ठक में दिए गए संज्ञा शब्द के सही रूप भरिए। पहले उदाहरण दिया गया है अपने कपड़ों को गंदा मत करो। इसी तरह से आपको क्रिया को देखकर रिक्त स्थान में सही शब्द भरना है। इसमें है चिड़िया, कोष्ठक में दिया गया है, तो इसमें क्रिया दी हुई है बहुवचन, खा रही हैं, तो उसी इसलिए आपको यहाँ बहुवचन ही भरना है, चिड़ियाँ दाना खा रही हैं। नेक्स्ट, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, दर्शक तालियां बजाकर हंसे। दर्शक एकवचन बहुवचन दोनों में ही समान शब्द रहता है। सभी नदियां सूख गई हैं, महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए।
दादाजी ने प्राण त्याग दिया। इसका सही शब्द वाक्य होगा दादाजी ने प्राण त्याग दिए। पिताजी अखबार पढ़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। लड़कियां घूम रही थी, लड़कियां घूम रही थी। मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ लोग खड़ा था, यहाँ लोग खड़े थे। आँख से आंसू निकल पड़ा, आँखों से आंसू निकल पड़े। तो आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक में साफ और स्वच्छ लेख में लिखेंगे। थैंक यू।